नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल में। तो साथियों, बड़ी अच्छी खुशखबरियां निकल के आ रही हैं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी का सिलेक्शन हो जाए। चलिए साथियों, बातें करते हैं। आपने थंबनेल देखा हुआ, उन सब बातों पे आज चर्चा करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि DVPDF PDF में अगर नाम है पर मेल नहीं आई तो क्या करना है, किस दिन डीवी के लिए जाना है, प्राचार्य पोस्ट यानी प्रिंसिपल पोस्ट का जो इंटरव्यू है उसके बारे में, फिर ज्वाइनिंग की खुशखबरी क्या इसी माह में या मार्च में, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन कट ऑफ डेट की खुशखबरी कहां से एक और निकल के आई है। तो चलिए साथियों, सबसे पहले आपको यह बताऊंगा कि डीवी पीडीएफ में अगर आपका नाम है, जो कल मैंने आपको बताया था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर कल एक ईएमआरएफ ने पीडीएफ जारी की है, अगर उसमें आपका नाम है और मेल आपको अभी तक नहीं आई है तो क्या करना है। तो साथियों, अभी आपको बताना चाहूंगा, अगर मेल नहीं आई है तो आज और कल तक का वेट कर लो, उसके बाद में आप ईएमआरएस को मैसेज करिए, सॉरी मेल कीजिए या कॉल कीजिए, क्योंकि अभी अभी इन्फॉर्मेशन आई है कि फीमेल होस्टल वार्डन में श्याम को एक मैडम को मेल आ गई है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर। तो आज और कल का वेट कर लीजिए, ठीक है, वरना फ्राइडे को आप वहां पे मेल और मैसेज मेल और कॉल कर सकते हो। यानी आज एक मैडम को मैसेज आ चुका है। चलिए आगे देखो, किस दिन डीवी के लिए जाना है। तो साथियों, आपको डेट मिलेगी 12 से 16 12 से 15, तो मैं आपको बताना चाहूंगा ऐसे डीवी के लिए नहीं जाना है, आपको मेल आएगी, आपको अपनी मेल चेक करती रहे। अगर मेल में नहीं आ रहा तो स्पैम बॉक्स में एक बार जाके चेक कर लो, क्या स्पैम बॉक्स में आपकी मेल तो नहीं है कहीं पे, तो स्पैम बॉक्स भी एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। तो जिस दिन मेल आएगी उसी दिन आपको जाना है, ऐसे नहीं जाना है, मेल आए उस मेल में आपको आपकी डेट वगैरह मिलेगी, आपको उसके अकॉर्डिंग आपको वहां पे जाना है। चलिए साथियों, अब बात करते हैं प्राचार्य पोस्ट का इंटरव्यू। तो आज ही एक सर से बात हुई थी और मैंने उनको ये कहा था कि सर मार्च में आपका इंटरव्यू हो सकता है, और उसके बाद में तुरंत बाद में पीडीएफ आ गई और जो इंटरव्यू था वो मार्च में ही 16 फरवरी को ही शुरू कर दिया है। मैं सोच भी नहीं सकता कि ईएमआरएस इतना फास्ट काम कर रहा है। 16 फरवरी और 17 फरवरी ये लो इंटरव्यू खत्म, दो ही दिन इंटरव्यू है, 16 फरवरी और 17 फरवरी। और मैं सोच रहा था कि मार्च में इंटरव्यू होगा, मई जून तक उसका रिजल्ट आएगा, लेकिन नहीं। तो सर, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो प्लीज मैं माफी चाहता हूं, मेरा प्रिडिक्शन गलत हुआ और हमने सोचा भी नहीं हुआ कि इतना जल्दी ईएमआरएस निकालेगा, ठीक है। 16 फरवरी 17 फरवरी को इंटरव्यू की जो लिस्ट है वो आ गई है ईएमआरएस की वेबसाइट पे। चलिए अगली बात करते हैं कि ज्वाइनिंग की खुशखबरी इसी माह में या मार्च में। तो मैं तो ये कहता हूं एक बार फिर से कि मुझे लग रहा है कि रोजगार मेले में इसी माह में बहुत सारे कैंडिडेट्स को हमें मिल जाएगा। अगर इस माह में नहीं मिलेगा अपॉइंटमेंट लेटर तो मार्च के अंदर तो 101% मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि आप सभी को पता है कि लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, आचार संहिता लगने वाली है, तो उससे पहले पहले मोदी जी एक रोजगार मेला सेट और कर सकते हैं, उसमें सारे कैंडिडेट्स को वो क्या करेंगे, पोस्टिंग दे देंगे, ताकि जो रोजगार मेले के अंदर जो 10 लाख भर्तियां करने की वादा होता वो वादा पूरा कर सकें। तो मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि इसी माह में बहुत सारे कैंडिडेट्स को रोजगार मेला में ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा और बाकियों को मार्क मिल जाएगा। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, तो आपके सामने देखो, प्रिंसिपल का इंटरव्यू आज ही लिस्ट जारी हुई है और 16 और 17 दो दिन में खत्म कर रहे हैं, और टाइम कितना दिया, आज देखो 7 तारीख हो गई, 10 दिन बाद में, 9 दिन बाद में ही उनका इंटरव्यू है, 9 दिन बाद में। तो आप सोच सकते हो ये हमारा काम बहुत स्पीड के साथ कर रहा है, तो डेफिनेटली हमारा भी सिलेक्शन कहीं ना कहीं होने वाला है। चलो लास्ट, मेरे उन भाइयों के लिए जिन्होंने फॉर्म रीओपन होने के बाद में फॉर्म फिलअप किया था, एजुकेशन क्वालिफिकेशन डेट को लेकर वो बहुत ज्यादा डाउट में है, तो मेरे प्यारे भाइयों और साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन कट ऑफ डेट को लेकर एक उस खबर तो पहले हैदराबाद से आई थी, 2 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था, 2 ही दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था, ओके। और दूसरी जो खुशखबरी है वो आई है बेंगलोर से। बेंगलोर में जहां पे डीवी हो रहे थे वहां भी एक कैंडिडेट का सेम मैटर था और उसके यहां पे भी प्रोविजनल लिखा गया है कि आप प्रोविजनली क्या हो, पास हो, ठीक है। और उन्होंने ये कहा है कि हम आपके डॉक्यूमेंट्स को आगे भेज देंगे, ईएमआरएस जो फैसला करेगा वो ही होगा। तो मैंने एक दिन उस दिन भी वीडियो में कहा था कि हो सकता है कि ईएमआरएस ने कोई मीटिंग की हो या उन्होंने कुछ डिसाइड किया हो और उन्होंने कहा कि जिनको आपने पहले
आउट किया है या जो भी किया वो रहने दो, लेकिन अब जो भी कैंडिडेट कट ऑफ डेट वाला आ रहा है तो उसको प्रोविजनली पास कर दो, हम बाद में डिसाइड करेंगे। एक बात और कहना चाहूंगा, जिन साथियों का डीवी हो गया है और कट ऑफ डेट की वजह से कुछ प्रॉब्लम आई है तो उनको कहना चाहूंगा निराश मत होइए, अगर इनको प्रोविजनली पास किया गया है नए कैंडिडेट्स को तो डेफिनेटली आपको भी प्रोविजनल पास करेंगे वो, ओके, तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए साथियों आप देखते हैं कि ये तो हमारी किस्मत है, हम डेफिनेटली कुछ नहीं कर सकते, बट खुशखबरी आने के चांसेस हैं। बस मैं ये चाहता हूं कि आप सभी जिस जिसका सिलेक्शन हो उन सबको ज्वाइनिंग ऑर्डर जरूर मिले, ज्वाइनिंग लेटर जरूर मिले, क्योंकि देखो अगर किसी के मुंह के पास में हम निवाला लेके जाते हैं और उस निवाला को अगर वापस छीन लेना तो दुख बहुत ज्यादा होता है, और मैं इस स्थिति को समझ सकता हूं। अगर भगवान ने आपको वहां तक पहुंचाया तो मैं भगवान से वही दुआ करता हूं, वही प्रार्थना करता हूं कि जो निवाला आपके मुंह तक है वो निवाला आपके पेट में जाए, किसी और के पेट में ना जाए, क्योंकि उस पर आपका ही हक होना चाहिए, क्योंकि आपको पास किया है तो डेफिनेटली आपको ही वो जॉब मिलनी चाहिए। चलिए साथियों ये बातें हैं आपकी आज की, और आपने पूरा वीडियो देखा इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, धन्यवाद। और कोई बात हो तो साथियों कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं रिप्लाई करने की बहुत कोशिश करता हूं, बट काफी सारे कमेंट आते हैं, कई बार छूट जाती है, और फोन आप मेरे को शाम को 5 बजे बाद में कर लेना, ठीक है साथियों। बाकी सारी बातें हो गई हैं और कोई डाउट हो तो मैं बोल देना, ओके।